हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा निपोन इंडिया ETF निफ्टी 50 बेस। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट निपोन इंडिया ETF। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो गाइस, इसमें 50 कंपनीज होती है, तो इसमें कोई बड़ी रिस्क नहीं होती है। यानी एक साथ आप 50 कंपनीज में आपका पैसा डाइवर्ट होता है। ये निपोन इंडिया ETF है, निफ्टी 50 बेस। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ETF निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेटर है। यानी एक साथ आप 50 कंपनीज का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है और अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्ट होता है। दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट। करंट मार्केट प्राइस 243.99 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹350। 350 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। निपोन इंडिया ETF निफ्टी 50 विंस। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं और डिलीवरी में भी आप इसको ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉक में भी इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाय और सेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको NSE में बाय कर सकते हैं और BSE में भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी आप इसको ले सकते हैं। यानी आप इसको एक क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, एक क्वांटिटी इसकी 256 रुपीज़ की है, 243.99। आप एक क्वांटिटी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपने इसकी 50 क्वांटिटी ली तो आपको 12,774 रुपये देने हैं। यानी आपको जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें निफ्टी 50 बेस में कर सकते हैं। आप इसमें SIP भी कर सकते हैं, हर मंथ की 10 या 20 तारीख को आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी सैलरी का जो भी हिस्सा आता है तो इसमें से आप थोड़ा पैसा निकाल के आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी आप 100 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 25,000 की आएगी वो। और आने वाले 15 या 20 साल में आपका ये इन्वेस्टमेंट 1.78 करोड़ का हो जाएगा। तो यही ये मैजिक है निफ्टी 50 बेस का। ये लॉन्ग टर्म के लिए एकदम बेस्ट है। ये इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें टोटल 50 कंपनीज हैं और अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्ट होता है और इसमें नो रिस्क, ओनली प्रॉफिट। ओके, परफॉर्मेंस टुडेज लो 242.58, टुडेज हाई 244.23, 52 वीक लो 184.51, 52 वीक हाई 249, ओपन 244, प्रीवियस क्लोज 242.72, वॉल्यूम 4134646, लोअर सर्किट 193 एंड अपर सर्किट 289, रिटर्न्स फंड रिटर्न्स 23 वन ईयर, 3 ईयर 14%, 5 ईयर 16% एंड ऑल 15.8%। ओके, कैटेगरी एवरेज 34, 15 एंड 16, रैंक इन कैटेगरी 92, 40 एंड 27। ओके, फंडामेंटल्स AUM 20,317 करोड़ का ये फंड है। PE रेशियो 23.13, नंबर ऑफ स्टॉक्स 50, 50 कंपनी है इसमें। PB रेशियो 3.54, एक्सपेंस रेशियो 0.04। PB रेशियो 3.54। अबाउट द कंपनी, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड मैनेजर हिमांशु मांगे, फंडेड ईयर 2001,
ETF कोड NIFTYBEES। ओके, होल्डिंग HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक एंड L&T। ओके, सी ऑल होल्डिंग्स एंड सिमिलर ETFs, SBI ETF, Nifty 50 एंड ICICI Prudential Nifty 50 एंड HDFC Nifty 50, Kotak Nifty 50 एंड मेरी असेट Nifty 50 ETF एंड आदित्य बिरला सन लाइफ Nifty 50 ETF, LIC म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड Nifty 50 एंड टाटा Nifty एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड एक्सिस Nifty 50 ETF फंड एंड DSP Nifty 50 इक्वल वेट ETF। सो गाइस, ये सारे फंड जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, NSE BSE में। आप इनके प्राइस देख सकते हैं, HDFC Nifty 50 ETF 240 एंड Kotak Nifty 50 ETF 237 एंड मेरे असेट Nifty 50 ETF 232 एंड आदित्य बिरला सन लाइफ Nifty 50 ETF 25। ओके, ओके, दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट, एडवांस चार्ट, निपॉन इंडिया Nifty 50 बेस, करंट मार्केट प्राइस 244.20 विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹350, 350 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल एंड रेड कैंडल बेरिश कैंडल। सो गाइज, ये बोलिंजर बैंड्स के इंडिकेटर है। आप इस इंडिकेटर की मदद से, हेल्प से, आप काफ़ी अच्छे से बाय और सेल कर सकते हैं। ये इंडिकेटर आपको बताता है कि कब आपको सेल करना है, कब आपको बाय करना है। सो इस इंडिकेटर का यूज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं और Nifty 50 में भी कर सकते हैं। और साथ ही और एक इंडिकेटर है, वैल्यूम SMA 9। यार ये वैल्यूम का इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बार जो दिख रहे हैं आपको, ये वैल्यूम के है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है और कितने लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो इस वैल्यूम की वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यूम है 2,200,5,57,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इतने सारे लोग इसको बाय कर रहे हैं और ये वैल्यूम के बाहर है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये। तो ये इंडिकेटर आपको बताता है कि कब आपको सेल करना है, कब आपको बाय करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 244.20। ओके, और ये सपोर्ट है इसको 244 एंड ये लोअर बैंड है 243.75 और यहाँ पे ये वैल्यूम है। ये वैल्यूम देखना ना भूलिए आप, क्योंकि वैल्यूम आपको देखना है। सिर्फ आपको चार्ट को नहीं देखना है, इसके साथ आपको वैल्यूम को भी देखना है। यहाँ पे ये वैल्यूम है, ये ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन बॉक्स यानी वैल्यूम है। ये बार आप देख रहे हैं, ये वाले ये वैल्यूम के बार है। तो जिस तरह से वैल्यूम बढ़ता है, तो इस तरह से ये स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाती है। वैल्यूम अगर रेड होता है, नीचे आता है, तो ये स्टॉक की प्राइस भी नीचे आती है ऐसे। ये अपर बैंड है, ये मूविंग एवरेज बैंड है और ये लोअर बैंड है। अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडल बैंड एंड ये लोअर बैंड है। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, बोलो राधे राधे।